राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनुपी हू ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे और रक्षाबंधन के फेस्टिवल को बहुत ही उत्साहित होकर और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब ने कैसे अपनी रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है अपने भाइयों के साथ में, प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें लिखिए कि मुझे बताएं। और मैंने जैसे भी सेलिब्रेट किया है, मैं उसके एक क्लिप डाल रही हूँ, आप सब इसे देखें। और अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो प्लेट होता है ना रक्षाबंधन का सजाने के लिए, ये मेरी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर ये सब थाल को सजाया था। और इसमें मेरी हेल्प की पीहू ने भी इस थाल को सजाने में हेल्प किया है। बहुत खुश होती है वो, घर में कोई आता है तो ऐसे मामा जी लोग उनके आते हैं तो वो तो और खुश हो जाती है। ये सबसे बड़े वाले भैया हैं मेरे, ये छोटे दो छोटे भाई हैं और ये मेरी छोटे वाले भैया हैं और ये इधर रेड शर्ट में मेरा भाई था। और ये देखिए कितने खुश होकर भैया राखी बंधवा रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। और देन इसके बाद में मैंने सबको राखी बांधा, पहले टीका चंदन किया, राखी बांधा, फिर मिठाई खिलाया और बाद में सबका एक साथ मैंने आरती उतारा। बड़ा अच्छा लगता है ना साल भर के बाद में अगर भाइयों से, अब तो सब लोग बिजी हो गए ना काम में, सब सारे लोग जॉब में हैं तो सभी लोग अपने अपने जॉब में जगह जगह पे बिजी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि सालों बाद में जब भाइयों से ऐसे मिलने का मौका मिलता है फेस्टिवल्स में, बहुत अच्छा लगता है। कितने खुश होते हैं भैया लोग, या फिर मैं भी बहुत खुश होती हूँ इस दिन का, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। इस साल तो मुझे ये खुशी दो दो बार मिली है, एक तो अपने भाइयों से इतने सालों के बाद में एक साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने की खुशी, और दूसरी अपने वाइटी फैमिली के साथ में इस खुशी को बांटने की खुशी। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा, फर्स्ट टाइम ही अनुभव हो रहा है कि अपने वाइटी फैमिली के साथ में मैं अपनी खुशी कैसे शेयर कर रही हूँ, अपने सेलिब्रेशंस को कैसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच माई वाइटी फैमिली,